वक्त नूर को बेनूर बना देता है, एक छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मॉर्निंग सर, डॉक्टर माथुर्स क्लिनिक। हेलो, या कैन आई स्पीक टू डॉक्टर माथुर प्लीज? नो सर, ही इज आउट ऑफ टाउन। ओके, एनी मैसेज सर? इनकेस अगर आपको उनसे कोई कॉन्टैक्ट हो जाए तो उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिएगा। ओके सर, आई विल कन्वे योर मैसेज। किसका ट्यूशन नहीं लगाया, वो हिंदी में बहुत ही वीक होता जा रहा है। अजय, हर्ष के लिए नई ट्यूशन टीचर देखी क्या? हर दूसरे दिन स्कूल से टीचर का कॉल आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हिंदी सब्जेक्ट से इतना डर क्यों लगता है। इट्स हाई टाइम वी हैव टू डू समथिंग। अगर उसका बेस वीक रहेगा तो आगे जाके वो करेगा क्या? अजय, सुन रहे हो? हर्ष बेटा, ब्रेकफास्ट तैयार है, नीचे आ जाओ। अजय, क्या हुआ?
फिर से वही सपना देखा क्या? ओ गॉड, तुम डॉक्टर माथुर से बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर माथुर आउट स्टेशन गए। फॉर गॉड से किसी दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। तुम हर दूसरे दिन यही सपना देख के अपना मूड ऑफ कर लेते हो और ना ही कभी मुझे बताते हो। याद है उस रात जब तुम चीख के नींद से उठे थे तो हर्ष कितना सहम सा गया था? हाय बेटा। हाय पापा। हाय मम्मा। हाय बेटा। आज फिर से डर गए क्या पापा? अरे नहीं बेटा, मुझे किस बात का डर हो सकता है? वो तो मैं ना तुम्हारी मम्मी को डराने का नाटक कर रहा था। नाटक? हाँ, और क्या, हर्ष और उसके पापा को भला कोई चीज डरा सकती है? नहीं ना। माय रेड सुपरमैन, सुपरमैन, सुपरमैन। चलो बेटा अब जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल जाना है ना। चंदा। दादी मैं बाय। अरे मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। हाँ। देखो अपना टिफिन याद से खा लेना। जा। दादी माँ, आज आप मुझे भूत की कहानी सुनाओगी ना? हाँ बेटा जरूर सुनाऊंगी, पर पहले पढ़ाई। जाओ स्कूल जाओ। गुड बॉय। वाओ। क्या हर्ष बाबा, तुम भी ना। चलो बाबा। हर्ष बाबा। ये भुगतान फिर से क्या हो गया? बाय। उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। शाबाश अंजलि। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग पेज नंबर 15 की पोयम याद करके आएंगे और जो नहीं याद करके आएगा वो सीधा क्लास के बाहर होगा। हर्ष कम इन। स्पेशली हर्ष तुम, क्योंकि तुम हिंदी में काफी वीक हो और सारी फ्रेंड्स तुमसे आगे निकल जाए ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओके माइकल, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूं। अजय एक मिनट। खुरान साहब, ये हमारे यहां के सेकंड इन कमांड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी कहिए, अजय। अजय खन्ना। कमाल है, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है फिर भी आप मेरा नाम जानते हैं। खन्ना साहब, ये शहर इतना भी बड़ा नहीं और हम पुलिस वालों के पास तो सबकी जन्म कुंडली होती है, क्यों माइकल साहब? विक्रम सिंघानिया साहब बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। सुना है जिस किसी भी होटल ग्रुप में आपने काम किया है उसे बड़ा ऊपर पहुंचाया है। Excuse me, मैं निकलता हूँ। अरे प्लीज 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 आप बैठिए, मैं निकलता हूँ। माइकल साहब, मैं फिर आऊंगा चाय पीने, आपसे मुलाकात होगी। ये पुलिस का क्या चक्कर है माइकल? मैं इसको पिछले कई दिनों से यहाँ आते जाते देख रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार, एक पुराना केस है,
उसी की छानबीन चल रही है। हाँ तो कोई गुड न्यूज लाने वाला था? गुड न्यूज यह है कि बजाज मान गया है। ओह, इसका मतलब समझते हो, अब शहर की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी तुम्हारी। एक आदमी को अपने ही घर में एक चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। वो उसे ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है, इधर उधर देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। धीरे 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 वो अपने कमरे में आता है, कमरे में भी इधर उधर देखता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। तो वो धीरे से अलमारी खोलता है, अलमारी खोलकर देखता है तो अलमारी में भी कोई नहीं होता है। फिर वो राहत की सांस लेता है। फिर ना वो पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्लाया? चलो बहुत हो गया, हर्ष उठो, जल्दी से खाना खा लो, कल स्कूल भी जाना है ना। अजय, चाय। वेरी गुड। तो बच्चों, आज की पोयम है, बहुत नींद आ रही है ना? चलो बताओ हर्ष, तुमने पोयम याद की? हर्ष, सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, पोयम याद की तुमने? व्हाट इज दिस हर्ष? आज के बाद तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे। Out from my class. Thank you.
हर्ष बेटा, क्या हुआ जैसिका? हर्ष अजीब बिहेव कर रहा है। हर्ष रुको, हर्ष बेटा दरवाजा खोलो। हर्ष देखो दादी आई है बेटा, दरवाजा खोलो। माँ जी ये ऐसे नहीं मानेगा। हर्ष बेटा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं पापा को फोन करके बुलाऊंगी। माँ जी बहू तुम चिंता मत करो, तुम जाओ मैं उसे देख लूंगी। जाओ। हर्ष, हर्ष बेटा उठो बेटा, देखो दादी आई हैं। दादी से तो बात करो बेटा। मुझे किसी से बात नहीं करनी। हर्ष, हर्ष सुनो बेटा, हर्ष बेटा क्या हुआ बच्चा? वेरी गुड बॉय। अच्छा अब बताओ क्या हुआ स्कूल में? टीचर ने मुझे डांटा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ओ मेरा बच्चा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े कैसे होगे? पापा की तरह आपको बड़ा बनना है ना, तो बड़ा बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ और आपको दूध भी पीना पड़ेगा। गुड बॉय। पहले दूध, दूध पियो बेटा, चल। ओके। आज के बाद तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे। आउट फ्रॉम माय क्लास। लाइए सर। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? परेशान कर दिया सुल्तान ने। क्यों, आज क्या किया उसने? बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। सुल्तान ये क्या कर रहे हो? जैसे का तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि सुल्तान थोड़ा सा मेंटल है, लेकिन वो इस घर से इमोशनली जुड़ा है क्योंकि सुल्तान के बाप दादा इस घर में नौकर रह चुके थे। तुम्हें एक नौकर के दिल की पड़ी है, अपनी बीवी की नहीं। अरे जैसी तुम। ओह गॉड, आजकल इस लाइट को क्या हो गया है, इसी वक्त जाना था। जैसी हर्ष का है, वो डर जाएगा। बेटा ये क्या कर रहे हो? ये किताब क्यों फाड़ रहे हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो बेटा? देखा अजय, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
मेरी बातों को क्यों लाइटली लेते हो तुम हमेशा? हर्ष, पिता क्या हुआ? पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, टीचर मुझे मारती है, सब बच्चे मुझ पे हंसते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? मैं पोयम याद नहीं कर पाता ना, इसीलिए। बेटा, कोई इस वजह से अपनी किताब थोड़ी फाड़ता है। अगर तुम ठीक से अपनी पोयम याद कर लोगे तो तुम्हें टीचर थोड़ी ना डांटेगी। क्या, टीचर तुम्हें मारती है? चलो ठीक है, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी, कल तुम घर में रह के मम्मी को खूब परेशान करो, ठीक है? अजय, क्यों इसे बिगाड़ रहे हो? जैसिका, उसके जहन में डर बैठ गया है स्कूल को लेकर, और मुझे फिक्र इस बात की कहीं उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो जाए। सो जस्ट लेट मी टेक केयर ऑफ दिस, तुम चिंता मत करो। एक बार प्लीज, एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। तुम प्लीज अपनी बीवी को छोड़ दो। कहिए डॉक्टर साहब, काफी बिजी थे आप। एक सेमिनार के लिए दिल्ली गया हुआ था, तुम्हारा मैसेज मिला। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं डॉक्टर साहब, मुझे फिर वही सपने आने लगे हैं, और अब तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हर्ष पढ़ाई नहीं कर रहा है। आज उसने किताब फाड़ दी, सारे पन्ने उठा के फेंक दिए। उसके स्कूल से भी मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं। टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अजय, कॉमन प्रॉब्लम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आके उससे मिलता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, और हो सके तो एक बार उसके टीचर से मिल लो। ओके, शायद कोई सलूशन निकला है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। तुमने बुक क्यों फाड़ दी? वो बुक हर्ष की खूबसूरत कहानियों का खजाना है, जिसमें है सुंदर सुंदर मछलियाँ, और हैं रंग बिरंगी तितलियाँ, पहाड़, पर्वत, झरने, पंछी और। मम्मा, बुक में परियां भी है क्या? मुझे परियों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, सुंदर सुंदर परियां भी हैं। तो मम्मा, वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगी क्या? करेंगी ना बेटा, लेकिन तब जब तुम सारी पोयम्स याद करोगे। अब हर्ष के पास बहुत जल्द एक नई बुक होगी। हर्ष खन्ना, आपका स्टूडेंट, मैं उसका फादर। ओह, मिस्टर अजय खन्ना। जी। आइए प्लीज, आइए आइए, प्लीज बैठिए। या। पानी लेकर आती हूँ मैं।
थैंक यू। मैं यहाँ हर्ष के बारे में बात करने आया हूँ। आई नो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने हर्ष को पनिश किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, मैं किसी किस्म की शिकायत नहीं करना चाहता, पर आप बच्चे को डांटने की बजाय प्यार से समझाए ना तो अच्छा होगा, बच्चा है ना। आई अंडरस्टैंड, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था कि मैंने उसे इतना डांट दिया। बैठिए। हाँ, लेकिन बड़ी अजीब बात है, उसने अपनी किताब के सारे पन्ने फाड़ दिए। पर ऐसा क्यों किया उसने? पता नहीं। खैर, आपके पास इतनी सारी पुरानी किताबें हैं, लगता है आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे शायरी लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है। खुशियों का एक संसार लेकर आएंगे, पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे। जब भी पुकारोगे प्यार से हमें, मौत से भी सांसें उधार लेकर आएंगे। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खन्ना? कुछ नहीं, मेरा भी कविताओं से पुराना रिश्ता है। खैर, अब चलता हूं। नहीं अजय, तुम ऐसे नहीं जा सकते। आज मेरी चाहत तुम्हारे साथ जाएगी। सिया। एक मिनट। ये मेरी एक्स्ट्रा बुक हर्ष के लिए, हर्ष को दे दीजिएगा मेरी तरफ से। हर्ष अब क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन जाएगा। थैंक यू। वेलकम। पापा पापा, आप मेरे लिए नई बुक लाए? लाए ना बेटा, वो देखिए वो देखिए। वो रही। ये देखो, अब इसमें परियां हैं, तितलियां हैं, रेनबोज हैं, कितनी सारी पोयम्स हैं। अब परियां तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। मम्मा, मैं जाके पढ़ाई करता हूँ। ओके बेटा। हर्ष कितना खुश लग रहा है ना। हाँ, कम से कम इसी बहाने थोड़ी पढ़ाई तो कर लेगा। और ये क्या बदतमीजी है? हाँ? इतनी देर से मैं आके बैठा हूँ, तुमने चाय तक नहीं पूछा मुझसे? लाती हूँ, रुको। दूर कहीं एक तारा टूटा, दूर कहीं एक तारा टूटा, ना जाने वो किसने लूटा, ना जाने वो किसने लूटा, रात अंधेरी बरखा बरसे, रात अंधेरी बरखा बरसे, तुमसे मिलने को हम तरसे, तुमसे मिलने को हम तरसे। ओहो, क्या बात है, मेरा हर्ष बेटा पढ़ाई कर रहा है। आप जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मेरी टीचर दीदी गुस्सा हो जाएगी। टीचर दीदी? यहाँ तो कोई नहीं है। सामने तो बैठी है। मम्मा से मजाक करते हो? हाँ, लो दूध पियो।
नहीं मम्मा। बेटा ऐसे नहीं बोलते, दूध पियो। अच्छा बेटा तुम दूध पियो, मैं आती हूँ, ठीक है? हो रहा है। दूर कहीं एक तारा टूटा, ना जाने वो किसने लूटा, रात अंधेरी भर का बरसे, तुमसे मिलने को हम तरसे, प्यार हमारा हुआ ना पूरा, सामने था एक मौत का कुआ, आओगी मैं लौट दोबारा, फिर बसेगा संसार हमारा। हे, तुमने मुझे बुलाया? अजय, मैं तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं, तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है? नहीं नहीं माइकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं तुम्हारे परेशानी का कारण तुम्हारा एक्स बॉस सिंघानिया या उसकी बेटी संजना तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं वो लोग तुम्हें वापस तो नहीं बुलाना चाहते? वैसे संजना कैसी है, क्या कर रही है आजकल? देखो, मैं संजना से कई महीनों से नहीं मिला हूं और मुझे नहीं मालूम कि तुम उससे ये सब क्यों पूछ रहे हो। कुछ नहीं युगो, ओके मैम, 3 चीज टोमेटो बर्गर ना? या एंड गेट मी अ बिग फैमिली साइज पिज्जा विद अनियन एंड टोमेटो टॉपिंग्स। या थैंक्स। जी, क्या हुआ? अजय वहां अलमारी के पीछे। कोई भी तो नहीं है वहां पे?
अजय अभी कोई था। जैसिका तुम भी ना इधर बैठो, आराम से बैठो, घबराओ मत, बैठो। गुड, नाउ रिलैक्स। हाँ लो पानी पियो, पानी पियो। नाउ बी काम, जस्ट हैव वाटर प्लीज। हर्ष कहाँ है? हर्ष? हाँ। ओह माय गॉड, सो चुका है। Really? जैसिका तुम तो यहां थी, पर वहां कैसे? ये वो कौन थी? तुम तो यहाँ थी मेरे साथ, तुम वहां कैसे? अजय मैं तो हर्ष को रूम से लेने गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये वो लड़की तो नहीं है जिसे मैंने अलमीरा के पास देखा था? जैसिका मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, ओके? मैं कल डॉक्टर माथुर से मिलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। या, sounds very interesting but Jessica trust me, it was just a dream. ये महज एक सपना था और कुछ नहीं। पर डॉक्टर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। She was here, right here sir. तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बैठो। कभी कभार सोते हुए हमें ऐसे विजुअल्स दिखाई देते हैं जो किसी इंसिडेंट पे बेस होते हैं, यू नो, सम इंसिडेंट विच हैज हैपेंड अर्लियर इन आवर लाइफ। और ये विजुअल्स स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं या आपकी कल्पनाओं की वजह से हो सकते हैं, यू नो, इट हैपेंस, बट ट्रस्ट मी, दिस इज ओनली अ ड्रीम। यस, तो डॉक्टर साहब इसका सलूशन क्या है? अजय, हर चीज़ का सलूशन होता है, इसका भी है। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों शहर से बाहर चले जाओ, गो फॉर अ हॉलीडे। पर डॉक्टर साहब चले तो जाएंगे, हर्ष की पढ़ाई भी तो है। हाँ, वो तुम्हारा एडॉप्टेड बेटा कैसा है वो? डॉक्टर साहब, हर्ष में एक मैजिकल चेंज ओवर आया है। Really? हाँ, पहले तो वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था, पर आजकल बोलना भी नहीं पड़ता है, वो खुद पढ़ने बैठ जाता है और उसे सारी पोयम जुबानी याद है। अब ये तो अच्छा नहीं हुआ। मतलब? क्यों? यार मतलब ये है कि मेरा एक पेशेंट कम हो गया है। अजय, खामखा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चिंता जो होती है ना चिता समान होती है। एक काम करते हैं, तो मेरे साथ मेरे क्लिनिक चलो, वील रन सम टेस्ट। ओके ओके, कम ऑन, लेट्स गो, डोंट वरी। ओके, आई जस्ट कम, बाय। अजय, इस टॉर्च की रोशनी पर तुम कंसंट्रेट करो,
तुम्हारी पलके भारी हो रही। अब तुम इस वक्त सब कुछ भूल जाओ और उसी ख्वाब में चले जाओ जो तुम्हें बार बार दिखाई देता है, जिनकी वजह से तुम हर दिन टेंशन में रहते हो। सोचो ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। प्रॉब्लम्स किसके घर में नहीं है, तुम मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उनको दूर कर दूंगी। एक बार प्लीज, एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। तुम प्लीज अपनी बीवी को छोड़ दो। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। अजय, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, तुम्हारे साथ रिलेशन रख के मैं उन सबको खोने का रिस्क नहीं ले सकता। संजना, गन नीचे करो। संजना, संजना, How do you feel? I don't know, doctor. Okay. अच्छा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, इसे hypnotism कहते हैं। And thankfully, medical science इसे recognize करती है। Nothing to worry about. हाँ। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कोई personal सवाल पूछूंगा, if you don't mind. हाँ, पूछिए। कहीं जाने अनजाने में तुमसे कोई कत्ल, कोई मर्डर वर्डर तो नहीं हुआ ना? क्या मजाक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको लगता है मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ? नहीं, लगता तो नहीं। हाँ, कहीं जाने अनजाने में तुमसे कोई कत्ल, कोई मर्डर वर्डर तो नहीं हुआ ना? अजय, जैसिका, क्या हुआ? अजय वहां अलमारी के पीछे। कहीं तुम्हारे परेशानी का कारण तुम्हारा एक्स बॉस सिंघानिया या उसकी बेटी संजना तो नहीं है? सुना है आज तक जिस किसी भी होटल ग्रुप में काम किया है आपने,
उसे बड़ा ऊपर पहुंचाया। क्या हुआ माँ? वो सुल्तान कहाँ? वहाँ, वहाँ देखो ना, वो गायब हो गया। माँ जी, वहाँ कोई नहीं है। आंखें तो खोलिए। माँ जी, अजय, डॉक्टर साहब, माँ ठीक हो जाएंगी ना? मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा ताकि इनको कोई सदमा ना लगे। सुल्तान, 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 ऊपर जाओ। मैंने कहा ऊपर जाओ। चल, अगर यहां देखा ना तो जान से मार दूंगा। पास बैठे हुए देखा साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
सुल्तान पीर बाबा के पास क्यों गया होगा? क्या रीजन हो सकता है? हेलो, जैसे कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुल्तान आज एक बाबा के पास गया था। मुझे पता चल गया है कि शायद इसी की वजह से घर में सब कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या? हाँ, वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो हर्ष को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दे। What? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। इस वक्त वो कुछ भी गलत कर सकता है। तुम बिना किसी को बताए चुपचाप हर्ष को लेकर कंपनी के पुराने गेस्ट हाउस पहुंचाओ। ठीक है। तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूं। हाँ, मैं अभी निकल रही हूं। कौन है आप? वो बड़े साहब से बात हो गई है। आइए आइए मिन साहब, आइए आइए। कह रहे थे वो मिन साहब, आप बच्चे को यहाँ सुला दीजिए, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ सुला दीजिए। कहती हूं कौन है वहां? कौन है वहां?
जैसिका, जैसिका क्या हुआ? मैं हूँ अजय, क्या हुआ? अजय क्या? सुल्तान है वहाँ। कहाँ? वहाँ तो कोई भी नहीं है। अजय मैंने अपनी आंखों से देखा है सुल्तान। तुम आओ अंदर आओ। अजय मेरा यकीन करो सुल्तान वहाँ। तुम देखो वहाँ पे, देखो कोई भी नहीं है वहाँ पे। तुम घबराओ मत, चलो अंदर आओ, मैं हूँ। आओ आओ चलो। नहीं अजय, ट्रस्ट मी, मुझे वो लड़की भी फिर से दिखाई दी। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है वो सुल्तान के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रही हो? हो सकता है। अजय प्लीज तुम सुल्तान को ढूंढो, जरूर उसे कुछ तो पता होगा। हाँ मैं उसको ढूंढता हूँ, तुम घबराओ नहीं। ओमकार। जी साहब। तुमने सुल्तान को देखा क्या? जी साहब, कोई तो आया है इस तरफ। साहब साहब सुल्तान सुल्तान साहब रुक जा। सुल्तान रुक जा। सुल्तान मैं कहता हूँ। सुल्तान 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 तुम ये सब, सुल्तान तुम मुझे गलत समझते सर। मैं गलत नहीं हूँ साहब, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके और आपके परिवार के लिए किया साहब। मैं गलत नहीं हूँ साहब। साहब उस दिन घर में मुझे एक अजीब सा खौफ दिखाई दिया, तभी मुझे लगा साहब ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, एक बुरी शय ने मालिक के परिवार को बुरी तरह जकड़ रखा है बाबा। मैं अपने मालिक को बर्बाद होते नहीं देख सकता बाबा। खुदा के लिए उनको बचा लीजिए बाबा। बस हमने सब देख लिया है बच्चा, वो एक रूहानी ताकत है बच्चा। हा? उस रूहानी ताकत ने एक किताब को अपना जरिया बनाया है। ये ले, उस बच्चे की किताब को घर से बाहर निकाल और इसे उस किताब पर छिड़क देना, तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं इसलिए बुक लेके भागा। कोई भी नहीं सुल्तान साहब। हर्ष बाबा वो एक बुक क्या? सुल्तान बुक। सुल्तान देर क्यों लगा दी? सुल्तान मर गया है। क्या? हाँ, उसने मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा है और मरते मरते पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। किसी किताब के बारे में कह रहा था कि कोई आत्मा है, कह रहा था कि हर्ष की कोई टीचर है जो कि उसको पढ़ाने में, पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर्ष, ओह माय गॉड, हर्ष 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 हर्ष, तुम ऊपर जाके देखो। हर्ष हर्ष बेटा, तुम अकेले क्या कर रहे हो? मम्मा आप चुप रहो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी स्कूल टीचर नाराज हो जाएगी। ट्यूशन टीचर?
बेटा, कहाँ है ट्यूशन टीचर? वो सामने तो बैठी हैं। बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। मम्मा वो यहीं है। बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। आह, दूर कहीं एक तारा टूटा, क्या जाने वो किसने लूटा। रात अंधेरी पर खाबर से, तुमसे मिलने को हम तरसे। प्यार हमारा ना हुआ पूरा। खुशियों का एक संसार लेकर आएंगे, पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे। जब भी पुकारोगे प्यार से हमें, मौत से भी सांसे उधार लेकर आएंगे। संजना, ये कल की मीटिंग के प्रपोजल्स हैं। इस प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है? देखो, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहती हो? तुम मुझे क्यों नहीं समझते? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। संजना, वो सॉरी, मैं बाद में आता हूं। सुनो, आज मेरी तरफ से पार्टी है और तुम जरूर आओगे। अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। किताबें पढ़ने का भी शौक रखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे हर्ष की किताब है। वो कहना है कि कल रात को मैं गाड़ी में छोड़ गया था, इसलिए। इस किताब को पहचानते हैं? ये तो संजना की किताब है। ये आपको कैसे मिली? वक्त आने पर यह भी बता दिया जाएगा, मगर इस किताब के पेज 16 पर एक शायरी लिखी गई है जो कि आपको डेडिकेट की गई है। पेज नंबर 16? इतना चौक क्यों रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर खन्ना, आपके संजना से रिश्ते कैसे थे?
क्या मतलब? मतलब ये कि संजना का मर्डर हुआ है मिस्टर खन्ना, क्या आप बताएंगे कि आपका और संजना का रिश्ता कितना गहरा था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा और संजना का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं खन्ना साहब, और यूं ही कोई किसी के लिए इतनी रोमांटिक कविताएं नहीं लिखा करता। और फिर इस किताब में तो कई एक ऐसी कविताएं हैं जो आपके नाम डेडिकेटेड है। टू माई लव अजय, टू माई डियर लव अजय, मेरी जान अजय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे? तुम्हें हो क्या गया है? तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि हम ये रिलेशन नहीं रख सकते। ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? पागलों की तरह बातें मत करो। तुम्हें मालूम नहीं मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। अजय, प्रॉब्लम्स किसके घर में नहीं है? तो मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उनको दूर कर दूंगी। एक बार प्लीज, एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। For God's sake, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, तुम्हारे साथ रिलेशन रख के मैं उन सबको खोने का रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे मत बोलो अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर इस सब के बारे में तुम्हारे डैड को पता चल गया ना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। डैड से मैं बात करूंगी, उनको मैं मनाऊंगी, उनकी तुम चिंता मत करो। तुम प्लीज अपनी बीवी को छोड़ दो। ये कभी नहीं हो सकता। मैं जैसिका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मुझसे मेरा क्या होगा? संजना, मेरी बात सुनो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे लड़के मिल जाएंगे। शादी कर लो, लाइफ में सेटल हो जाओ। अजय, ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी बात और मिस्टर खन्ना, संजना प्रेग्नेंट थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? इसके जिम्मेदार आप हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वेल मिस्टर खन्ना, हमारी इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बकवास कौन कर रहा है। हैव अ गुड डे। हेलो मिस्टर माइकल। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना। जिस रात संजना का मर्डर हुआ आप कहाँ थे? मैं एक बिजनेस मीटिंग में था, उस रात कुछ ज्यादा पी ली थी इसलिए ऑफिस में ही सो गया था। संजना प्रेग्नेंट थी, क्या ये बात आप जानते हैं? हाँ। आपको कैसे पता? अभी आप ही ने तो बताया। मिस्टर माइकल, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। भला मुझे कैसे पता होगा, मेरी तो संजना के साथ ज्यादा मेल मुलाकात भी नहीं थी। किससे किसकी कितनी मेल मुलाकातें थीं, ये बात तो तहकीकात में पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए गुड बाय। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इस किताब में, इस बुक में वो आत्मा है जो तुम सबको परेशान कर रही है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी बातें सेंसलेस जरूर लग रही हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सेंसलेस नहीं लग रही, सेंसिबल लग रही हैं। शायद हमारा मेडिकल प्रोफेशन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम आत्माओं में विश्वास करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जिस पर मेडिकल साइंस विश्वास नहीं करता वो चीज़ें नहीं होती, हो सकती हैं। देखो मैं एज अ इंडिविजुअल थोड़ा सा यकीन करता हूँ इन चीज़ों में। मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह अच्छे और बुरे इंसान होते हैं उसी तरह अच्छी बुरी आत्माएं भी होती हैं। अजय, तुम संजना से आखिरी बार कब मिले?
मुझे यहां क्यों बुलाया है संजना? अजय तुम आ गए? मुझे तो लग रहा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। देखो संजना, तुमने मुझे यहां जिद करके बुलाया है और मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूं। अजय, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। इस जरूरी बात के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया था? देखो संजना, ना मुझे तुम्हारी बात सुननी है ना समझनी है। अजय, अजय मेरी बात तो सुनो। अजय, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या? हाँ, और ये बात मुझे आज ही पता चली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? It's true, Ajay. I'm not lying. तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो और मैं अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा? किसी और का पाप मेरे गले में डालने की कोशिश मत करो। अजय, अजय रुक जाओ। संजना, तुम मुझे इस तरह से यूज नहीं कर सकते। संजना, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ नहीं अजय। संजना मेरी बात सुनो। संजना गन नीचे करो। संजना, छोड़ कर नहीं जा सकते। संजना गन मुझे दो। मुझे धोखा नहीं दे सकते। संजना ये गन मुझे दो। संजना क्या बेवकूफी है? संजना नहीं कर सकते। संजना गन छोड़ो। संजना क्या हुआ? संजना, संजना प्लीज, संजना। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मेरे यकीन मानिए डॉक्टर साहब, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये तुम कह रहे हो कि गोली अनजाने में चली। चलो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा, लेकिन कानून अदालत में कैसे साबित कर पाओगे कि तुमने गोली जानबूझ के नहीं चलाई बल्कि गोली अनजाने में चली है? ये कैसे साबित कर पाओगे तुम? संजना की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब मुझे सजा मिलेगी। अगर मुझे अपनी फैमिली की चिंता नहीं होती ना, तो मैं कब का सुसाइड कर लेता। ओ कम ऑन कम ऑन, डोंट बी अ फूल यार, ये कोई सलूशन नहीं है। हाँ अजय, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि कोई पवित्र पानी है जिससे संजना की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। हाँ जैसे का अजय, क्या हुआ अजय? क्या? प्लीज मेरे हर्ष को बचा लो। क्या हुआ हर्ष को? वो आत्मा मेरे हर्ष को ले गई। हे भगवान। हेलो,
अजय प्लीज। डॉक्टर माथुर। संजना, देखो संजना, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज। उस रात जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और इस बात का पछतावा ना मुझे जीने देता है ना ही मरने देता है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाप के किए की सजा तो बेटे को मिलेगी, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। नहीं संजना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम्हारी जान क्यों लूंगी, वो तो तुम खुद दोगी इसके मरने के बाद। नहीं संजना, नहीं। देखो संजना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। किसी की जान लेके तुम्हें क्या मिलेगा, इस परिवार को नष्ट करके क्या हासिल होगा तुम्हें। हर जीव आत्मा में भगवान का अंश होता है, और वही अंश तुम में भी है कि जहां पर अच्छा या प्रेम का वास होता है वहां पर बुराई का अंधेरा नहीं छा सकता। और जैसिका ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि एक माँ को उसके औलाद से छीनना चाहती हो। अपने अंदर एक एहसास जगाओ माँ की ममता का, क्योंकि तुम भी तो माँ बनने वाली थी। जिस आग में तुम जल रही हो ना संजना, उस आग की जलन को प्रेम और क्षमा की मरहम से मिटा दो। कभी कभी अनजाने में इंसान से वो गलतियां हो जाती हैं जो वो नहीं करना चाहता। हो सकता है कि तुम्हारे खून का जिम्मेदार अजय हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। नहीं डॉक्टर माथुर, संजना का असली कातिल अजय नहीं बल्कि ये माइकल है। शुरू से ही तहकीकात कर रहा था, और सारी कड़ियां तब अपने आप जुड़ती चली गई जब डॉक्टर माथुर ने मुझे संजना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की सच्चाई बताई। इस माइकल पर मुझे शुरू से ही शक था। इसके खास आदमी अमन को जब मैंने पकड़ा और पकड़कर उगलवाया, उसने सब कुछ मुझे तोते की तरह उगल दिया। आज मेरी तरफ से पार्टी है और तुम जरूर आओगे। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। दरअसल इस माइकल की नजर संजना की दौलत पर थी, और अमन ही वो शख्स था जो इसे संजना की सारी इंफॉर्मेशन दिया करता था। बॉस, आज रात को अजय और संजना ब्लू हिल्टन होटल में मिलने वाले हैं। खबर पक्की है? 100%। ये अपने आप में बहुत ही
खुदगर्ज और चालाक किस्म का इंसान है। अब जब तुम्हें सच्चाई का पता चल ही चुका है तो सुनो, इस अजय की वजह से सिंघानिया ग्रुप ने अपने बिजनेस को कुछ ही दिनों में बुलंदी पे पहुंचा दिया और मेरे साथ सारी बिजनेस डील तोड़ दी। मैं ये बर्दाश्त कर भी नहीं पाया कि संजना ने भी अजय की वजह से मुझे अवॉइड करना शुरू कर, इसलिए मैंने अजय तो यहाँ पर। हाँ यार, मेरी एक मीटिंग थी यहाँ पे, मैं मीटिंग में आया था। अच्छा चल एक काम कर, पार्टी चल फिर आ रहा है। अरे नहीं यार, वो एक्चुअली ना मैं लेट हो रहा हूँ यार, फिर कभी यार। अरे चलना यार, 5 मिनट की पार्टी है तो एंजॉय करेगा यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है, बहुत कुछ है यहाँ पे। हाँ। तेरा लुक भी एकदम चेंज हो गया। हाँ, ले चल आ गई। और बाकी क्या, और हाल क्या? तुम बताओ उसका, वो बता रहे डील का, उसका क्या हुआ? ओह शिट, सॉरी, ये ले लीजिए। संजना, हाउ आर यू? ओह या, यहाँ पर क्या कर रही हो? थैंक यू सो मच। संजना तो अनजाने में मारी गई थी, मारना तो मैं अजय को चाहता था।
मैंने तुम सब लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन ये भी एक सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम इस जन्म में ना सही, पर अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए ये पवित्र जल लाया हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। रिश्तों में जरूरी होती है, ना मिल पाना किसी की मजबूरी होती है। याद दूर से तो किसी को कर सकते हो, लेकिन हसरतें तो मुलाकात से ही पूरी होती हैं। हमरा राजा बेटा इकलौता बेटा खेलेगा हमको हाथी बना के, ना 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 क्या इश्क की